क्या ये लड़की एक रात में वो सब कर पाएगी जिसकी उम्मीद मैं उससे कर रही हूँ? पापा, कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ ना तो मैं सोच भी नहीं सकती कि क्या होगा। मुंबई का ट्रैफिक भी ना, घर से जितना जल्दी मर्जी पहले निकलो लेकिन ये ट्रैफिक मिलना ही है। सिद्धि, क्या हुआ, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं भी नूम, मैं बस हमारे बारे में ही सोच रही थी। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी मुश्किलें धीरे धीरे कम हो जाएंगी। हमारे इश्क ने बहुत इम्तिहान दिए हैं एंड आई जस्ट होप कि अब हमारे इश्क को और मुश्किल दौर से ना गुजरना पड़े। सिद्धि, मेरी बात सुनो, हमारे प्यार को किसी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। फीनू, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो। फीनू, मैं जो कुछ भी करती हूँ ना, हम दोनों की खुशी के लिए करती हूँ, इस परिवार की खुशी के लिए करती हूँ। सिद्धि, ये सब मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे अचानक ये सब क्यों कह रही हो? बस मेरे दिल में आया तो मैंने कह दिया। फिनू, मैं चाहती हूँ कि आज तुम मुझसे एक वादा करो। फिनू, मुझसे वादा करो कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम अपना भरोसा मुझ पर से कभी डगमगाने नहीं दोगे। सिद्धि, मेरी बात सुनो, मैं तुम पे ना खुद से ज्यादा भरोसा करता हूँ, और सिचुएशन जो मर्जी हो, मैं जिंदगी भर तुम्हारा हाथ थामे रहूंगा। पापा, शपथ। पापा, शपथ। यहां आओ। फिनू, चले? अरे जा रहे हैं। तुमको पता है ये लोग भी ना हमारे रोमांस से जलते हैं। उर्वशी, तेरी तो पांच उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में। मेरे को तो लगा ही था जब वो बुट्टी मुझे मिली थी, मेरे को तो ऐसे ही लगा था कि उर्वशी, तेरा तो नसीब ही खुल गया। लेकिन देवा रे देवा, ये तो उसमें बड़ा शिकार है रे। बुट्टी के लिए काम करेगी तो 3 लाख का महीना, और इसे अपना पिल्लू बनाया तो चट्टे से 9 लाख का हार। देवा रे देवा, आज नहीं तो कल भांडा तो फूटना ही छे। उर्वशी, मैं अपने दोनों हाथों से जितना बटोर सकती है ना, बटोर लेगी। अब तो मैं उस बुड्ढी से भी कमाएगी और उसके पिल्लू से भी। पिल्लू। पापा,
मैंने जो कुछ भी किया है सिर्फ अपनी शादी को बचाने के लिए किया है। हो सकता है कि मेरा तरीका गलत है, लेकिन कांटे को निकालने के लिए कांटे का इस्तेमाल किया जा सकता है ना। अब बस रात भर का तमाशा बचा है, कल सुबह सब कुछ साफ हो जाएगा। वैसे मेरा कॉन्ट्रैक्ट तो बस आज रात भर के लिए है, लेकिन पैसा कमाने का ऐसा मौका रोज रोज नहीं मिलता। ये तमाशा तो शुरू किया था उस मंजरी और सिद्धि ने, लेकिन अब मैं इसे खत्म नहीं होने देगी। कल सुबह तक भी उर्वशी कासे पाटिल का तमाशा जारी रहेगा। आप लोग जरूर आइएगा। सिद्धि, क्या हुआ? हाँ, तुम ठीक हो ना? और कौन सी प्लानिंग खराब हो गई? वो वीनू, वो मुझे सपना आया था कि मैंने जो सरप्राइज प्लान किया था ना तुम्हारे लिए, वो तुम्हें पता चल गया, इसलिए मैंने सोचा कि मेरी सारी प्लानिंग खराब हो गई। इधर, इसका मतलब मैं तुम्हें सपने में भी परेशान करने लगा? ये तो सपना था, लेकिन जब रुद्र को पता चलेगा कि उसके साथ सिद्धि नहीं उर्वशी है, तो जरूर हंगामा मचेगा। ओ मैडम, कहाँ खो गई आप? नहीं, बस ऐसे ही सोच रही थी। इधर आओ। सिद्धि, वैसे ना मैं एक बात सोच रहा था, तुम रात को लेट सोती हो, सुबह जल्दी उठ जाती हो, तुम्हें नींद आती भी है कि नहीं? कहां से नींद आएगी मुझे? कल रुद्र की शादी सही से हो जाने की टेंशन थी, और आज उस ड्रामे पर पर्दा डालने की टेंशन है। वो वीनू, मुझे नींद तो आती रहती है, तुम चले जाते हो शूट पर तो सारा दिन मैं सोती ही हूं ना। अच्छा वीनू, चलो अब तुम उठ जाओ, शूट के लिए देरी हो जाएगी। नहीं, मैं नहीं। उठो वीनू, उठो उठो। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ठीक है, जाओ जल्दी से रेडी हो जाओ। अच्छा ठीक है। अगर रुद्र को सच्चाई पता चल गई होगी तो वो यहाँ कभी भी आ सकता है और फिर बवाल कर सकता है। सिद्धि, थोड़ी ना ऐसे चेहरा दिखाऊंगी, पहले आप अपनी आंखें बंद करिए। अरे ये क्या है? पहले आप अपनी आंखें बंद करिए। लो कर ली।
आंखों से मुझे देखने की कोशिश करो। मैं तुम्हें दिखे क्या? बंद आंखों से कैसे कुछ दिखेगा सिद्धि, मैं अपनी आंखें खोल रहा हूँ अब, ठीक है? अब मैं ये ड्रामा इतनी जल्दी खत्म नहीं करेगी। मैं आंखें खोल रहा हूँ सिद्धि, बस अब ठीक है? नहीं नहीं अभी नहीं। सिद्धि मैं आंखें खोलूं? ये मुखौटा कहाँ गया? सिद्धि मैं आंखें खोल रहा हूँ, कहाँ हो तुम? अब मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा सिद्धि, मैं आंखें खोल रहा हूँ, ठीक है? थोड़ी देर तुम्हें नहीं देखा तो बेचैनी सी होने लगी। तुम ये हार पहन के सोई थी? मेरी निशानी है, तुम खुद से दूर नहीं करना चाहती थी। तुम्हारी इयररिंग, कोई बात नहीं, मैं खुद तुम्हें लेके दूंगा। एक्चुअली हम शॉपिंग पे चलते हैं और मैं तुम्हें नई इयर रिंग्स लेके देता हूँ। और वैसे भी आज हमें सबको ये भी बताना है कि हम दोनों की शादी हो गई है। कहीं विन तो नहीं आ गया? और उसको ये तो नहीं पता चल गया कि तुम रात भर मेरे साथ थी मेरे कमरे में? मैं अभी जाके देखता हूँ। उठ गया तू? दो सेकंड के लिए मुझको लगा कि विनायक आ गया रूम के बाहर। क्यों? इतनी सुबह सुबह विनायक क्यों आएगा यहाँ? अब रात भर सिद्धि मेरे कमरे में है, यहाँ मेरे साथ सो रही, तो मुझे लगा विनायक ढूंढते हुए आ गया होगा। हाँ, मतलब अभी तक इस लड़की ने इतनी सच्चाई नहीं बताई है। विनायक रात को कब आया मुझे पता ही नहीं चला, मैं तब तक सो गई थी। वो कहाँ है? वो कर, ये वो क्या करने लगी? सिद्धि नाम है ना उसका? हाँ। और सुन, मैं आज सबके सामने अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, सबको बता दूंगा कि सिद्धि मेरी बीवी है, बाकी तो देख लेना, संभाल लेना। हाँ, क्यों नहीं। वैसे तूने उसे मेरा जो हार दिया है ना, वो जरा लेके आना, पॉलिशिंग करनी है, वो पुराना सा लग रहा है ना इसलिए। अभी सिद्धि ने वो हार पहना हुआ है, वो आएगी उससे मांग के मैं तुझे दे दूंगा। अभी तू यहाँ से जा, मुझे सिद्धि के साथ थोड़ी देर रहना है तुझे। अरे लेकिन जा, हाँ मैं लाके दे रहा हूँ, जा अभी। हाँ जा ना, वहां छोड़ ना अभी, जा जा। लगता है इसने मेरा हार निकाला ही नहीं। पता नहीं रुद्र के मांगने पर भी ये मेरा हार देगी या नहीं। समझ में नहीं आ रहा है कि इस नागिन से मैं अपना हार निकलवाऊं तो कैसे निकलवाऊं। ये आज की सुबह अपने दामन में बहुत कुछ समेटे हुए हैं। पापा प्लीज मेरा रिश्ता सलामत रखना। सुबह से चार बार फोन आ गया साहिल का, मैंने उसे बोला कि जल्दी आ रहे हैं हम, लेकिन मानता ही नहीं है। चलो फटाफट चलते हैं यार। रुद्र के कमरे में गई थी ना, क्या कहा उर्वशी ने? उर्वशी ने अभी अपनी सच्चाई रुद्र को नहीं बताई है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि रुद्र तुझ पे यानी कि नकली सिद्धि पे पूरी तरह से लट्टू हो चुका है, बस अब शक्ल से पर्दा उठने की देर है। अभी तक तो उसे कमरे से बाहर आ जाना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, अभी नहीं तो शाम की आरती तक सब कुछ क्लियर हो ही जाएगा। माँ
आपने इतनी बड़ी बात सबसे छुपा के रखी है, अगर किसी ने पूछा कि उर्वशी रुद्र की जिंदगी में रातों रात कैसे आ गई, तो आप क्या जवाब देंगी? अरे बाबा, आता मैं से डोकरों को खाऊं, मैं पहले से ही बहुत टेंशन में हूँ। देखो उसका भी कोई तोड़ निकल जाएगा। हाँ, और ये क्या, तू सुबह सुबह तैयार होके कहाँ जा रही है? वो विनू के दोस्त के घर पे गणपति स्थापना हुई है, तो दर्शन के लिए जाना है। अच्छा, नहीं ठीक ही है, तू जा वहाँ, तेरा जाना ही ठीक रहेगा। आरती हो जाने दे, फिर तू और विनायक निकल जाना। सिद्धि, मैं आती हूँ। आज शाम को ही सबके सामने मेरी और सिद्धि की शादी की अनाउंसमेंट कर दूंगा। बस अब और देर नहीं करनी चाहिए मुझे। देख के सब ठीक है ना? हाँ भाई, मेरी तरफ से तो सब कुछ ठीक है, तू बता तेरी तरफ से तू ठीक है? मैं एकदम भला चंगा हूँ, तेरे सामने खड़ा हूँ। कमाल है, इस बेवकूफ को जरा भी अंदाजा नहीं है कि पूरी रात सिद्धि इसके साथ ना होके मेरे कमरे में मेरे साथ सो रही थी। वैसे तू विन कहीं बाहर जा रहा है क्या सुबह सुबह एकदम रेडी होके? हाँ, वो दोस्त के घर गणपति दर्शन के लिए जा रहे हैं मैं और सिद्धि। सिद्धि ने मुझे बताया क्यों नहीं? तू सिद्धि को क्यों ले जा रहा है अपने साथ? तू एक काम करना, सिद्धि को यहीं पर छोड़ के जा, मुझे एक जरूरी अनाउंसमेंट करनी है, उसका यहाँ पे होना जरूरी है। कैसी अनाउंसमेंट? वो मैं तुझे बाद में बता दूंगा, तू तुझे पता चल जाएगा ना, पर तू एक सीक्रेट समझ ले। तू टेंशन मत ले, हम बहुत जल्दी वापस आ जाएंगे। मैं तुझे कह रहा हूँ ना, तू एक काम कर, सिद्धि को इधर ही छोड़ के जा, उसका यहाँ मेरे साथ होना बहुत जरूरी है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ऐसे कौन सी बात है जो सिद्धि के बिना पूरी नहीं हो सकती? मैं तुझे कह रहा हूँ, हे भगवान, आज तो इस घर में एटम बॉम्ब फटके ही मानेगा, क्या करूं क्या करूं? अरे यार, मैं तुझको बता, तुम दोनों क्यों झगड़ रहे हो? रहने दो ना सारी बातों को। अरे देखो, पंडित जी भी आ गए। आज गणपति स्थापना का 10वां दिन है और आज महाआरती होगी, तो बस आरती के बाद जिसको जहाँ जाना है वहाँ चले जाना, ठीक है? मैं वही पूछ रहा। अच्छा ठीक है गौरव, चल मैं आता हूँ। बचा ले आज तो। शप्पर, उर्वशी, क्या लग रही है तू? हाँ, कल मैंने पुड़िया से ये नवलखा हार छटक लिया था, लेकिन आज मैं उसका वो हीरो का कमरबंद ना उड़ाई तो मेरा नाम भी उर्वशी का से पचले। बुढ़ी और सिद्धि दोनों ही सोच रहे होंगे कि मैं बिना मुखौटे के बाहर आएगी अपने असल चेहरे में, पर सच होएगा नहीं। लोगों से थोड़ा अलग सोच रही है मैं, तुम लोग अपने फायदे के लिए मेरे को ये मुखौटा पहनाया है ना, लेकिन अब अपने फायदे के हिसाब से ये मुखौटा
मैं निकालेगी अगा भाई।